हाय गाइस, आप सबको भक्ति एंड टेक्नोलॉजी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फेस डिटेक्टर और फेस डिस्क्रिमिनेटर। जनरली ये सर्किट यूज किया जाता है कोई भी रिसीवर का डीमॉडुलेशन स्टेज पे, जहाँ पे हमारा मॉडुलेटेड सिग्नल से मॉडुलेटिंग सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल को रिकवर करने के लिए यूज होता है। ये फेस डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम है। तो आज हम लोग देखेंगे ये फेस डिटेक्टर का जो सर्किट डायग्राम एक कैसे फंक्शन करता है, इसका जो फेस रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरह का होता है और उसका फाइनल आउटपुट कैसे मिलता है। देखिए, यही पे जो सर्किट है मेनली दो डायोड D1 और D2 और एक कॉइल और इंडक्टर जो L का मदद से बनता है, जहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है जो जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग है, जिसका सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टैप होता है, और यही पे एक फिल्टर सर्किट का मदद लिया जाता है जो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने में यूज होता है। अभी आइए हम लोग इसका पूरा सर्किट कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले इसमें सर्किट में देखें तो एक इसमें इनपुट ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या काम कर रहा है थोड़ा देख लेते। देखिए, यही पे बोथ वाइंडिंग इंडक्टिवली कपल्ड। इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको देखिए, यही पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये भी एक कैपेसिटर का साथ कपल्ड किया हुआ, और इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो भी एक कैपेसिटर का साथ कपल्ड किया हुआ। ये जो कैपेसिटर का साथ कपल्ड होता है ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए मदद करता है, क्योंकि हम सबको पता है कैपेसिटर और कॉइल दोनों मिलकर एक टैंक सर्किट का कॉम्बिनेशन बनकर कोई भी एक फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकता है। अभी देखिए सेकेंड पॉइंट में ये है जो बोथ वाइंडिंग ट्यून्ड एट सेंटर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। हम कोई भी जब डीमॉडुलेशन स्टेज में जाते हैं तो सीधा कोई भी आरएफ फ्रीक्वेंसी को डीमॉडुलेटर में, दैट मीन डिटेक्टर सर्किट में अप्लाई नहीं किया जाता है, उसको सबसे पहले इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो डिटेक्टर सर्किट है उसमें इनपुट क्या होगा, उसमें इनपुट होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो यही पे जो बोथ वाइंडिंग है जो सेकेंडरी और प्राइमरी है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में ट्यून किया जाता है। ये कैपेसिटर और कॉइल का मदद से जो ट्यून सर्किट का फंक्शन जनरेट होता है तो दोनों मिलके क्या करता है, उसका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में ट्यून करता है। तीन नंबर पॉइंट देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टैप एंड कनेक्टेड विथ प्राइमरी वाइंडिंग थ्रू ए कैपेसिटर सी। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये कैपेसिटर सी का थ्रू इसका प्राइमरी का साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर सी कैपेसिटर यूज्ड फॉर ब्लॉक डीसी कंपोनेंट एंड सी कैपेसिटर आल्सो प्रोवाइड कपलिंग फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो कैपेसिटर सी है यहीं पे ये एक्चुअली यूज किया जाता है, इधर से अगर कोई हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो उसका साथ अगर कोई डीसी कंपोनेंट आ रहा है तो डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करना है, एक तो इसका काम है। दूसरा चीज क्या करता है, इस कैपेसिटर और कॉइल मिलके इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को मतलब ट्यून करने के लिए और कपल करने के लिए मदद करता है। अभी देखिए, जो 2 × RC सर्किट कंसिस्टिंग बाय R एंड C, यही पे जो R और एक C, इसका मदद से ऊपर का पार्ट के लिए एक RC सर्किट बनाया गया, इधर भी एक RC सर्किट बनाया गया। ये जो दो RC सर्किट है जनरली ये काम करता है फिल्टर का, ये फंक्शन एज ए फिल्टर सर्किट। दोनों क्या करता है, जो डायोड दोनों साइड से जो डायोड का आउटपुट होता है और उस आउटपुट को फिल्टर करके हमें एक फाइनल आउटपुट देने के लिए मदद करता है। अभी देखिए, एक पे कॉइल और इंडक्टर L है। ये जो इंडक्टर L है कनेक्टेड सेंटर टैप विथ सेकेंडरी, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग उसका सेंटर टैप है, और ये जो L है ये वोल्टेज जनरेट करता है जो V3 नाम पे जाना जाता है, और इट्स आल्सो नोन एज सिग्नल वोल्टेज। ये सिग्नल वोल्टेज क्या होता है, जब इसका थ्रू करंट पास होता है तो वो करंट का इसका जो
इंडक्टेंस है, वो इंडक्टेंस का साथ मिलके एक जो वोल्टेज मिलता है आउटपुट देता है वो क्या है, V3 होता है। और ये V3 एज ए सिग्नल वोल्टेज का नाम पे जाना जाता है। अभी देखिए दो डायोड यूज किया हुआ, डायोड D1 एंड डायोड D2। तो इसमें देखिए डायोड D1 कंडक्ट ऑन पॉजिटिव पीक ऑफ इनपुट सिग्नल एंड डायोड D2 कंडक्ट ऑन नेगेटिव पीक ऑफ इनपुट सिग्नल। देखिए जब यहीं पे कोई भी सिग्नल आएगा तो उसका जो पॉजिटिव पीक आएगा, जब पॉजिटिव पीक आएगा तो यहीं पे क्या होगा, इनिशियली पॉजिटिव होगा, उसी टाइम यहीं पे नेगेटिव होगा। तो जब यहीं पे इनपुट जब पॉजिटिव है तो यहीं पे पॉजिटिव, यहीं पे नेगेटिव है, तो यहीं पे जब पॉजिटिव पीक आएगा तो उसका अकॉर्डिंग ये डायोड D1 कंडक्ट करेगा, उसी टाइम D2 कंडक्ट नहीं करेगा। जब यहीं पे नेगेटिव पीक आएगा, जब यहीं पे नेगेटिव पीक आएगा तब क्या होगा, यहीं पे पॉजिटिव होगा, यहीं पे नेगेटिव होगा, तो उसी टाइम D1 कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन D2 कंडक्ट करेगा। तो अभी हम लोग देख लिया जो डायोड D1 और D2 कैसे कंडक्ट कर रहा है। अभी देखिए वोल्टेज V1 एंड V2, ये वोल्टेज V1 V2 कहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, देखिए ये जो कॉइल है सेंटर टैप है उसका अपर पार्ट में V1 जनरेट हो रहा है और लोअर पार्ट में V2 जनरेट हो रहा है। तो ये जो V1 है इंड्यूस्ड इन अपर पार्ट ऑफ सेंटर टैप सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर और V2 इंड्यूस्ड इन लोअर पार्ट ऑफ सेंटर टैप सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर। अभी हम लोग देखेंगे जो वोल्टेज VA1 और VA2 क्या होता है। देखिए यहीं पे जो वोल्टेज है VA1 जो इस इंडक्टर और इसका डायोड का एनोड का बीच में इंड्यूस होता है, और जो इंडक्टर और इस डायोड का बीच में वोल्टेज VA2 इंड्यूस होता है। तो ये VA1 होता है, देखिए VA1 है रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज है, जो ये सिग्नल वोल्टेज और जो सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज, ये सिग्नल वोल्टेज और सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज दोनों का कॉम्बिनेशन में यही पे VA1 बनता है। तो VA1 इक्वल टू कितना होता है, VA1 इक्वल टू V3 प्लस V1। एस सेम वे VA2 क्या हो जाएगा, VA2 होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अप्लाइड टू डायोड D2, ये डायोड D2 में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अप्लाइड होता है, और VA2 का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा V3, दैट्स मीन ये कॉइल का वोल्टेज V3 प्लस V2, ये जो इंडक्टर का सेकेंडरी कॉइल का ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल का जो नीचे वाला पार्ट में V2 होगा, तो दोनों का ऐड होके ये VA2 का बराबर होगा। अभी आते हैं फ्रेंड जो VOUT1 और VOUT2 वोल्टेज क्या होता है। देखिए ये जो डायोड का आउटपुट D1 डायोड का आउटपुट, उसको अगर हम लोग इस कॉइल का आउटपुट का साथ यहीं पे मेजर करते हैं, कौन सा डायोड का कैथोड में, तो यहीं पे जो आउटपुट हमें मिलेगा वो है VOUT1, और जो नीचे वाला डायोड का जो आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा VOUT2। तो ये जो VOUT1 होता है व्हेन D1 कंडक्ट बाय अप्लाइंग वोल्टेज VA1, जब ये VA1 अप्लाई होता है D1 डायोड में तब तो वो कंडक्ट करता है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका VOUT1 हो जाएगा। तो दैट्स मीन हम लोग इसको दूसरा तरीके से क्या देख सकते हैं, VOUT1 इज आउटपुट ऑफ डायोड D1, फिर VOUT2 क्या हो जाएगा व्हेन D2 कंडक्ट बाय अप्लाइड वोल्टेज VA2, जब यहीं पे D2 में VA2 अप्लाई होगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, VOUT2 हो जाएगा। तो हम लोग VOUT2 इस क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ D2। अभी देखिए जो टोटल जो फाइनल आउटपुट होगा VOUT, दैट्स मीन वी आउटपुट, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आउटपुट बाय RC फिल्टर, ये जो RC और ये जो RC, ये दोनों का जो फिल्टर है, दोनों का फिल्टर का जो आउटपुट है VOUT1 एंड VOUT2 फिल्टर बाय RC फिल्टर एंड गिव्स आउटपुट VOUT। तो VOUT इक्वल टू हो जाएगा कितना है, VOUT2 माइनस VOUT1, यहीं पे देखिए VOUT2 माइनस VOUT1 हो जाएगा। अभी देखिए फेस डिटेक्टर का जो फेस डायग्राम है वो किस प्रकार होगा, एट रेजोनेंस
एफ आई एफ, ये एफ आई एफ क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तभी मिलेगा जब हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी दर्शन इनपुट वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, जब इस सर्किट में इनपुट वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तब इसका फेजर डायग्राम दर्शन रेजोनेंस कंडीशन में इसका डायग्राम किस प्रकार होगा। देखिए वी वन एंड वी टू सेम वैल्यू बट ऑपोजिट डायरेक्शन। यही पे अगर आप देखोगे जो वी वन और वी टू दोनों का वैल्यू सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है। यही पे जो वी वन और वी टू का डायरेक्शन क्या, एक तो वी वन का वैल्यू इस तरफ जाता है और वी वन का वैल्यू वी टू का वैल्यू इस डायरेक्शन में जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जो वी थ्री है इंड्यूस्ड इन इंडक्टर एल, ये जो इंडक्टर एल है इसके अकॉर्डिंग हमें वी थ्री मिलता है। और ये वी थ्री ऐसे इसका सेंट्रली अप्लाइड होता है। अभी देखिए जो वी थ्री एंड वी वन कम्बाइंडली गिव्स वी वन, ये वी थ्री और ये जो वी वन दोनों मिलके क्या देता है हमें वी ए वन वोल्टेज। तो ये जो वी ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी थ्री प्लस वी वन हो जाएगा, वी थ्री प्लस वी वन एज इट इज। ये वी थ्री एंड वी टू कम्बाइंडली गिव्स वी ए टू, तो वी ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वन वी थ्री प्लस वी टू हो जाएगा। वी ए टू क्या हो जाएगा, ये जो वी ए टू हो जाएगा वी थ्री प्लस वी टू। तो इसका अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसका डायग्राम को देखें तो इस तरीका का होगा। अभी देखिए जो फेजर डायग्राम विदाउट रेजोनेंस, विदाउट रेजोनेंस कब होगा, जब इनपुट वोल्टेज ऑफ मतलब इनपुट वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एस वी वन एंड वी थ्री फेज डिफरेंस अगर भी उस इसी कंडीशन में जब इनपुट वोल्टेज नहीं है उसी टाइम अगर जो वी वन और वी थ्री, ये जो वी वन और वी थ्री ये जो दो वोल्टेज है इस दोनों का फेज डिफरेंस 140 डिग्री होता है, और वी टू और वी थ्री जो मान लीजिए यही पे जो वी वन और वी थ्री, वी वन और वी थ्री ये दोनों का फेज 145 डिग्री होना चाहिए, और वी टू और वी थ्री ये जो वी टू और वी थ्री ये दोनों का फेस 135 डिग्री डिफरेंस होता है। तब क्या हो जाएगा, हमें जो वी ए टू ये क्या है ए वाला वी ए टू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा वी ए वन, वी ए वन से वी ए टू ज़्यादा हो जाएगा। फिर ऑपोजिट कंडीशन में क्या हो जाएगा, एस वी वन एंड वी थ्री फेज डिफरेंस 130 डिग्री है, और वी टू और वी थ्री फेज डिफरेंस क्या है 45 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा इसका जो देखिए ये जो वी ए वन हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ वी ए टू, तो वी ए टू का रिस्पेक्ट में वी ए वन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, फेज डिटेक्टर है, हमारा जो आज का टॉपिक है फेज डिटेक्टर है। तो ये क्या करता है, जो सेकेंडरी वोल्टेज जो कॉइल है उसके अकॉर्डिंग जो हमें वोल्टेज मिल रहा है दो अपर और लोअर में वी वन और वी टू, और साथ में जो इंडक्टर का मदद से वोल्टेज मिल रहा है वी थ्री, तो ये दोनों का जो फेज का जो वेरिएशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू हमें इनपुट वोल्टेज, तो उसको डिटेक्ट करता है, और उसका डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट मिलता है, जो आउटपुट होगा हमें वी आउट टू माइनस वी आउट वन, और ये वी आउट टू और वी आउट वन माइनस करके जो फाइनल आउटपुट होगा वह हमें बेस बैंड सिग्नल का आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे फेज डिटेक्टर नॉर्मली काम करता है। और इसका अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसका अगर एक्स एक्सिस बराबर उसका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करें और उसका वाई एक्सिस बराबर आउटपुट एम्पलीट्यूड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो उसका जो ये एस पैटर्न का एक शेप आएगा। ये जो एस का इधर का लेफ्ट साइड का पोर्शन ये क्या है आउट ऑफ रेंज का काम करेगा, इधर वाला पोर्शन आउट ऑफ रेंज का काम करेगा, ओनली इसका डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, जो फ्रीक्वेंसी का डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा यही से लेके यही तक हमें डिजायर्ड एक आउटपुट मिलेगा। तो फ्रेंड आज हम लोग देखा ये फेस डिटेक्टर सर्किट
कैसे फंक्शन करता है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।